कमलेश्वर, कथाकार, उपन्यासकार, पत्रकार, संपादक और मीडिया कर्मी कमलेश्वर। कमलेश्वर यानी अपने दौर का एक फेनोमेनन, समांतर कथा आंदोलन के जनक और समांतर फिल्म आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर, बहुप्रतिष्ठित पत्रिकाओं नई कहानियां, सारिका, कथा यात्रा, इंगित, शिवर्षा और गंगा के संपादक कमलेश्वर। उन्होंने दैनिक जागरण पत्र का संपादन भी किया। अपने लेखन, चिंतन और कर्म के लिए कमलेश्वर साहित्य, दूरदर्शन और सिनेमा की दुनिया में हमेशा याद रखे जाएंगे। अब तक उनके 11 कथा संग्रह, 10 उपन्यास और विभिन्न विषयों पर 20 अन्य पुस्तकें प्रकाशित हैं। उनकी ताजा और बेहद चर्चित कृति, उनका वृहद उपन्यास कितने पाकिस्तान है, जिस पर अनेक समीक्षाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। वे भारतीय दूरदर्शन के पहले स्क्रिप्ट राइटर हैं और बाद में वे दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक भी रहे। कितने पाकिस्तान के दर्प पर छपा हुआ है कमलेश्वर का ये उपन्यास, मानवता के दरवाजे पर इतिहास और समय की एक दस्तक है। इस उम्मीद के साथ कि भारत ही नहीं दुनिया भर में एक के बाद दूसरे पाकिस्तान बनाने की लहू से लथपथ ये परंपरा अब खत्म हो। कितने पाकिस्तान पर बातचीत करने के लिए हमने कमलेश्वर और कवि, गद्यकार, चिंतक, संपादक विष्णुचंद शर्मा को आमंत्रित किया है। अमेरिका की आज़ादी के साथ एक उपन्यास लिखा गया था, अमेरिकन हॉल्ड फास्ट का। जी हाँ, मेरे मन में ये था कि कितने पाकिस्तान के पीछे कहीं आज की विसंगतियाँ आपके दिमाग में हैं, इसीलिए आपने कितने पाकिस्तान रखा, क्योंकि मूलतः इसमें युद्ध और प्रेम दो की कहानियाँ तो बड़ी साफ है और दूसरे इस दौर की विडम्बनाएँ हैं, तो इसके पीछे कितने कमलेश्वर की यात्राएं हैं या कितने कमलेश्वर के अंदर छिपा हुआ एक विस्फोट है जो कितने पाकिस्तान में आया। विष्णुचंद भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जब अलग अलग विधाओं में काम करता रहा, उपन्यास लिखता रहा, कहानियाँ लिखता रहा, सीरियल लिखता रहा, फिल्में लिखता रहा, पत्रकारिता में अपने कॉलम्स लिखता रहा, पत्रिकाओं का, समाचार पत्रों का संपादन करता रहा, तो एक ऐसी जीवंत और इतनी विस्फोटक दुनिया चारों तरफ मेरे भरी रही कि वो मुझे कभी चैन से बैठने नहीं देती थी। मैं एक काम करना होता था, उसे पूरा करता था, इसे छोड़ा तो दूसरा करना है, और सबकी समयबद्धता थी। साहित्य समय को मुक्त करके, है ना, समय संगत बनाने की एक खुली आज़ादी देता है। समय संगत कहिए या आपकी ही अदीब की तलाश करूं जी, तो वो अदीब एक साथ दो काम करता है। एक तो वो अपने अंतरंग में झांक करके, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो ज़माना है, सारे ज़माने को देखता है, और वो ज़माना लंबा 5000 वर्ष का इतिहास हिंदुस्तान का या मैथोलॉजी का जी, आखिर इतने फैलाव के भीतर वो जाता क्या है। देखिए, मेरी मूल जो मतलब परेशानी रही है वो ये है कि मनुष्य को कब से बांधने की कोशिश की गई। मनुष्य के पास सब कुछ था जब वो पैदा हुआ। अब चाहे आप अगर दूसरे तरह से उसमें जाएं, उसके इवोल्यूशन में, तो वो पत्थर युग था और वो फलाना युग था और ढिकाना युग था। मुझे लगता है कि जो यानी मौलिक और आधारभूत संवेग हैं मनुष्य के, वो मनुष्य ने ही अर्जित भी किए हैं और मनुष्य ने ही यानी उनका अन्वेषण भी किया है अपने लिए। तो मुझे लगा कि ये जो जितनी पौराणिक, माइथोलॉजिकल, ये सब सारी की सारी परिकल्पनाएं जो आती हैं, ये परिकल्पनाएं निरंतर कहीं ना कहीं किसी तरह की एक झूठे, जिसे कहना चाहिए देवतावाद या दैवलोक के पुरोहितों के द्वारा बनाई गई। बिल्कुल ठीक आपने कहा, अवधारणाएं थी। इसी में एक सवाल आता है, एक करेक्टर है आपका, है मैथोलॉजी का ही,
जो आंसुओं की तलाश करता जी, है जी। आंसुओं का अन्वेषण करता है और अंततः मुझे वो व्यास की तरह लगता है जो पूरी महाभारत के बाद ये तलाश करता है कि आखिर ये हुआ क्यों। शायद वही बेचैनी आपके तीन युद्ध इसमें आए हैं। एक युद्ध कारगिल का है ताजा जी, जी। और दूसरा युद्ध वियतनाम का है और तीसरा युद्ध अमेरिका के एटॉमिक प्रयोग का है जहां नरकंकाल मिले हैं। इन तीन युद्धों के भीतर अदीब की बेचैनी तो समझ में आती है जी। लेकिन वो कौन सी चीज है कि तीनों युद्धों में कारगिल में आप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को से अपील करते हैं आपका अदीब जी। और तीन जगह वो केवल दर्शक है। मुश्किल ये है ना कि वो तो इतिहास का हिस्सा है। अब वियतनाम युद्ध जिसकी पूरी प्रतीति इस दुनिया के पास मौजूद है, लेकिन वहां पर वो लोग जो जंगलों में भाग गए थे युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी, वो लौटते हैं युद्ध युद्ध चिल्लाते हुए, इसलिए कि उनके लिए युद्ध अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो युद्ध युद्ध की जो मानसिकता है वही मानसिकता कहीं ना कहीं विष्णु जी विभाजन की मानसिकता भी है, वही मानसिकता कहीं ना कहीं मनुष्य और उसके अपने आंतरिक जगत है ना को विश्रंखलित करने की, उसकी पूरी जो यत्ता है मनुष्य की उसको तोड़ देने की एक कोशिश है एक दूसरे स्तर पर। उन युद्धों पर मैंने तो खुद हिरोशिमा मेरा एक पात्र है जो खुद आता है प्रोटेस्ट करता हुआ प्रतिवाद करता हुआ। यानी युद्ध विरोध भी है आपके भीतर निश्चित, और युद्ध की जो के पीछे जो एक साम्राज्यवादी साजिश है जी, जिसको आपने माउंटबेटन के साथ बड़े ही कौशल के साथ रखा है। कौशल मैं इसको इसलिए रहूंगा क्योंकि शुरू की कहानी आपकी अंतरंग विद्या के साथ जी। एक अंतरंग अपने इलाके से कहानी शुरू होती है और सलीम अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ सलमा तो मॉरिशस जाते ही वो एक दूसरा कमलेश्वर या अदीब आ जाता है जी। तो मुझे लगा कि ये जो एक सभ्यता बदल रही है जी। परिवार विघटित हो रहा है जी। और कहीं ना कहीं फ्री लव की ओर आप सलमा के साथ बात करते हैं, खुद सलमा कहती है कि मुझे एक बच्चा चाहिए। तो जिस तरह प्रेम संबंधों में एक विघटन आप देख रहे हैं उसी प्रकार साम्राज्यवाद के भी युद्ध के रूपों में भी आपको एक विसंगति नजर आती है। बिल्कुल, वो क्या है? नहीं, विसंगति यह है, देखिए अगर आप मूलतः तो कहानीकार हूँ, उपन्यास लिख रहा था, तो मेरी अपनी जो व्यक्तिगत कस्बाई जो जिंदगी जिस तरह शुरू होती है उसको मैं लिखना चाहता हूँ, वो नहीं लिख पाता क्योंकि कारगिल आ जाता है। फिर कभी जब मुझे मतलब पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट पर मुझे सलमा मिलती है, जब फिर उसके साथ मेरी जिंदगी शुरू होती है तो फिर वो खंडित हो जाती है। उसके बाद मतलब ये कि ये शायद इस रूप में नहीं कि वो मतलब एक बिल्कुल उन्मुक्त प्यार की कोई परिकल्पना है, सवाल इस बात का है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच में धर्म क्यों अड़े आ जाए। इसीलिए आपने देखा कि कहीं पर वो एक जगह कहती है कि अच्छा चलो थोड़ी देर के लिए मैं हिंदू बन जाती हूँ और तुम मुसलमान बन जाओ। वो मैं समझ रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब यह है। लेकिन मुझे लगा कि कितने पाकिस्तान के पीछे एक रचना प्रक्रिया का जो सवाल आपने रखा है वो एक सवाल ये भी है कि कितने वियतनाम क्यों नहीं आए, इस किताब का नाम कितने युद्ध या कितने हिंदुस्तान क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि विघटन की स्थितियां हर जगह है। जी हाँ, हर जगह आप ईरान से लेकर के और सोवियत संघ तक देख लीजिए। तो क्या हिंदुस्तान के की सभ्यता में ही कहीं कोई हिंदुस्तान की सभ्यता में विष्णुचंद जी बहुत गहरे रूप से विघटन के तत्व छिपे हुए हैं और वो इसे विघटित भी करते रहे हैं। उसी का एक कारण था पाकिस्तान का बनना भी, वो चाहे साम्राज्यवादी साजिशों के तहत हुआ हो है ना, या एक आप देखिए इसमें से एक दौर आता है जहां पर के अदीब पूछना चाहता है कि जब 3 साल के लिए जिना साहब इंग्लैंड चले गए और ये मना करके कि अब मैं यहाँ बम्बई में प्रैक्टिस नहीं करूँगा, जबकि लाखों रुपए की प्रैक्टिस थी उनकी, वो चले जाते हैं वहाँ, तो 3 वर्ष वो क्या करते रहे वहाँ, किन लोगों से मिलते रहे। उसी तरह
जैसे बाबर के बाबरनामा में से यानी करीब करीब 2-2.5 महीने का इतिहास नदारत है, उसी तरह जिना साहब की जिंदगी में से ये 3 वर्ष नदारत हैं। लेकिन ये 3 वर्ष निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मनुष्य के अपनी जो पूरी मतलब मनुष्य की जो जैसे मैं क्या कहूँ शब्द मुश्किल से मुझे मिल रहा है कि मनुष्य के ऊपर जितने अत्याचार हुए हैं है ना, उन अत्याचारों को निरंतर बनाए रखने की जो एक साजिश चली आ रही है, वो चाहे पहले दलितों के साथ हो, इंद्र वो ही करता है, शूद्र दलित और एक अन्वेषक इतिहास का अदीप के रूप में आता है जी, और एक पत्रकार के रूप में जो खुद इस अदीप का इतिहास भी है, जो पत्रकार के रूप में पत्र लिखता है, और बार बार मुझे लगता है कि ये जो बहुत से कमलेश्वर रहे हैं वो शायद अपने सभी रूपों पर इसमें काम कर रहा है। ये बात आपने विश्वचंद जी इशारा किया तो मुझे सचमुच इससे बड़ा बल मिला जब आपने ये कहा कि ये बात बिल्कुल सही अब मुझे लग रही है जब आप ये बात मुझे आपने कही कि हाँ ये बात सही है कि इस उपन्यास में मैं कहानीकार के रूप में भी मौजूद हूँ, एक उपन्यासकार के रूप में भी मौजूद हूँ, एक सामाजिक प्राणी के भी रूप में मौजूद हूँ, एक पत्रकार जिस तरह का एक क्रूसेड लेके चलता है वो भी लेके मैं मौजूद हूँ, उसी के साथ साथ जो एक सौंदर्य की परिकल्पना भी की जा सकती है उसको लेके कहीं एक अच्छे यानी जैसे लेखक के रूप में भी कोशिश की है, उसके साथ साथ मुझे ये लगा कि भीतर जो कुछ नहीं पूरा हो पाता इसमें तमाम इतनी खंडित कहानियाँ पड़ी हुई हैं इस कितने पाकिस्तान में। वो जिसे आप खंडित कहानियां कहते हैं मैं समझता हूँ कि वो जिंदगी के एक खंड जी, जिसे कितने पाकिस्तान आपने नाम रखा है, वो मुझे लगता है एक खंड को तो आप अधूरा छोड़ देते हैं, जैसे विद्या पीछे छूट गई, विद्या हाँ। उसी प्रकार मॉरिशस आता है जा। और मॉरिशस के साथ एक हिंदुस्तान हमारे भीतर से आता है कि जो गन्नों के खेतों में काम कर रहा है, जो अपना इतिहास खुद देख रहा है वहाँ जी नए रूप में जी। इसी तरह से इस कहानीकार खुद एक जज भी है, वो कुर्सी पर बैठा है और इतना बड़ा निर्णायक आदमी है कि जिसको चाहता है उसको बुला लेता है। हाँ, ये कौशल पत्रकार का भी है जी। और ये आज की टेक्निक का भी है, निश्चित रूप से आज हम निश्चित है कि दुनिया में कहीं भी किसी जगह किसी से बात कर सकते हैं, किसी को दिख सकते। तो इसलिए मुझे लगा कि इस उपन्यास के पीछे जहाँ कहानी ब्रेक करती है वहाँ उछाल भी लेती है जी, जहाँ उछाल लेती है वहाँ मानवीय संबंधों को जोड़ने के लिए लेखक खुद भीतर आता है और वो कहता है कि जरा विद्या का कोई दूसरा रूप देख लो। वो मुझे लगा कि इसलिए कहानी एक तो अंतरंग चल रही है जी, जी। और एक विघटित होते हुए भी कुछ चीजों को जोड़ती है। हाँ, मुझे यही लगा कि जिस तरह से हमारे यहाँ अभी तक यानी ये लिया गया जैसे इस उपन्यास में बाबर भी आता है, औरंगजेब भी आता है, दारा शिकोह भी आता है ना, बहादुर शाह जफर भी आते हैं, निज़ामुद्दीन औलिया की वहाँ मजार भी आते हैं, वहाँ तक जाते हैं और वहाँ पर मिलते हैं और बाद में पकड़े जाते हैं। खैर, कहने का मेरा मतलब यह है कि इतिहास केवल वो इतिहास नहीं है जो कि किलों की और दीवारों की या युद्ध भूमियों में लिखा गया है। इतिहास वो है जो बहुत बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं वो मनुष्य जो कि इन तमाम चीज़ों को जीना चाहता था, उन जीने को नहीं जब वो जी पाता तो फिर कहीं ना कहीं लौटता है। आपने ही कहा है जी कि इतिहास जो लिखा जा रहा है वो इतिहास नहीं है। पेशेवर जी जो लिखाण हैं जी वे नहीं जानते हैं और इसीलिए इसके 2 रूप मेरे सामने आते हैं, बाबर या माइथोलॉजी में जहां आप जाते हैं जी। बाबरनामा आपके सामने इतिहास का है और दूसरी बात है कि सामंती दौर के जितनी भी विरणाएं हो सकती हैं जी वो सब उसमें आई हैं, बाबर तक आती हैं जी। लेकिन एक दूसरा भी इतिहास जो वर्तमान का इतिहास है जहां आप एक उछाल लेते हैं कि माउंटबेटन कटघरे में खड़े होते हैं और अदीब हट जाता है, बल्कि कबीर जो है हाँ, पूछता है जा, जा। तो वहां पर मुझे लगा कि एक कमलेश्वर कहीं ना कहीं नौटंकी या नुक्कड़ नाटक की विधा का भी प्रयोग इसमें कर रहा है। निश्चित रूप से
विष्णु भाई, मैं कहता हूँ कि मुझे अपने दौर के तमाम रूपों ने, चाहे वो साहित्य के रूप हों, चाहे रंगमंच के रूप हों, चाहे वो टेलीविजन के रूप हों, उन्होंने सबने बन के मुझे पूरा किया, सबने मुझे पूरा किया। मैंने इस उपन्यास को आलोचक कुछ भी कहे लेकिन अगर इसको पढ़ना कोई शुरू करेगा जी, तो वो इस दौर की सारी तकनीकी दुनिया से गुजरते हुए अंत तक बेचैन ही होगा। और वो बेचैनी इसलिए भी है कि शायद इंग्लैंड और ब्रिटेन और अमेरिका हमारी संस्कृति का मालिक इस समय बना हुआ हो जी जी, लेकिन अदीब इंग्लैंड का हावर्ड फा अरे शेक्सपियर है, शेली है और हावर्ड फास हेमिंग्वे, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये कंसेप्ट बहुत साफ है कि निर्णय जनता का लेखक ही करेगा। बिल्कुल सही, इसीलिए आप ये देखिए कि उस रेगिस्तान में जहाँ ओज मिलता है इजरायली लेखक, वहाँ सब बैठे हुए हैं, सब मौजूद है ना, और अदीब खुद आवाज लगाता है अपने समकालीनों को। फिर दूसरी जो एक चीज, यानी अगर आप उस पर नजर डालें, मुझे जो चीज उस अदीब को खल रही है, यानी जो मेरे वक्त को खल रही है, सिर्फ मुझे नहीं, वो ये है कि किस तरह से इस महाद्वीप का, उप महाद्वीप का विभाजन किया गया, कैसे तारीख तय हो गई। रेड क्लिफ, जिसे ये दिया गया कि तुम बॉर्डर का अवार्ड दो, उस वो पूछता है माउंटबेटन के कमरे में खड़े होके कि ये पंजाब और बंगाल कहाँ है, कहते हैं नक्शे पर है, और 22 दिन दिए हैं उसको पार्टीशन करने के। नहीं, इतिहास की तो अनेक विसंगतियों को, खासतौर पर हिंदुस्तान के विभाजन की जी, माउंटबेटन के समय की आपने बहुत गहराई से देखी है, और वो इतिहास को पुनर्मूल्यांकन का सवाल है, क्योंकि मैं भेज बीच रामविलास जी का भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश पढ़ रहा हूँ जी जी, और आश्चर्य है कि दारा शिकोह को की जो ट्रेजिडी है उसको आपने भी इसमें रखा है और उन्होंने भी रखा है जी। माउंटबेटन की वंश परंपरा कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद के भीतर भी एक सामंत तबका है जिसको आपने पहचाना है जी। और इसीलिए वो ये नहीं जानता है कि जिस हिंदुस्तान का बंटवारा कर रहा है उसके भीतर एक विस्फोटक स्थिति 1942 से 1946 तक आ चुकी है जी। और इसीलिए मुझे एक जगह अखर जाती है कि इतिहास में हर जगह आप रुकते हैं या उस पर सोचते हैं जी। लेकिन हिंदुस्तान की से ब्रिटेन की सत्ता हिल जाने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो नाविक विद्रोह था जी। बिल्कुल सही, जिसको इस उपन्यास में कम से कम कितने उपन्यास पाकिस्तान में, मुझे लगा कि माउंटबेटन पर प्रश्न करते समय कबीर जैसे आदमी को ये जरूर पूछना चाहिए था कि जिस साम्राज्यवाद में सूरज नहीं उगता है वो कराची से लेकर के और सिंगापुर तक क्यों सूरज बदल गया रंग उसका, और अपने आप एक विस्फोटक स्थिति हिंदुस्तान में आ चुकी थी कि बोरिया बिस्तर 48 की जगह उनको 47 में करना पड़ा। तो एक तो इतिहास का अन्वेषक आपका है जो इसमें आया है, लेकिन एक बड़ी मार्मिक स्थितियां कभी कभी आई हैं, वो क्या है, आप इस हिंदुस्तान को किस रूप में देखते हैं? मुझे आजादी के बाद, आजादी के बाद से मुझे निश्चित रूप से ये लगा कि ये जो हमें परंपरा मिली है विभाजन के द्वारा, और जो जिस साम्राज्यवाद ने आज अपना रूप बदल के और जिस दूसरे रूप में वो आज आ रहा है, वो उसकी वापसी को अगर आज हमने ना समझा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम उसी, यानी फिर जाल में फंस जाएंगे जिस जाल में कि हम आज से 250 वर्ष पहले। मैं इस प्रश्न को इसलिए भी कर रहा हूँ जी कि आपने चंद्रकांता पर भी काम किया जी। एक सवाल मेरे मन में है कि आपका अर्दली कहीं न कहीं सांको पांजा लगता है और बड़ा ही निरी, बड़ा ही पेचीदा, बड़ा ही निर्भीक, और कहीं न कहीं वो भूतनाथ लगता है। और राजेंद्र यादव ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि भूतनाथ मिडिल क्लास मध्य वर्ग की शुरुआत का एक चरित्र है, तो वो इंटेलेक्चुअल भी है और वो अपने ही अदीब या जज पर हावी भी हो जाता है, हावी होता है, फस्तिया गस्तार होता है कि तुम अपने ही
विभाजित व्यक्तित्व में कहाँ हो? ये सवाल आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विष्णु भाई कि हम सबके भीतर है ना एक गांव का या कस्बे का आदमी बैठा हुआ है, छोटे शहर का आदमी बैठा हुआ है। अर्दली महमूद उसके भीतर जीवित वही व्यक्ति है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। वो उसका बचपन ये सवाल पूछता है। अर्दली महमूद जो है वो उनके उन छूटे और बीते हुए दिनों का रूप धारण करके आता है, वो उसके भीतर मौजूद है, है ना। और लेकिन उसको उपन्यास में सुविधा के लिए अलग करके एक नाम दे दिया गया। लेकिन विभाजित व्यक्तित्व उपन्यास के भीतर है, भीतर है। और वो विभाजित शायद इसलिए भी है कि कार्य नहीं परिणाम निरखता। आपके सामने शायद आपने खुद कहा है कि आजादी के पहले इतिहास आप देख रहे हैं और आजादी के बाद जो कार्यशील जनता है वो इस उपन्यास में नहीं आती है, जो आते हैं वे परिणाम आते हैं। तो प्रसाद की ये विडंबना प्रसाद के समय में भी थी। प्रसाद भी मिडिल क्लास के मनु को लाते हैं और आप भी मिडिल क्लास के एक विभाजित अदीब को लाते हैं और एक विभाजित भूतनाथ को लाते हैं। लेकिन वो आंसू को बटोरने वाला अन्वेषक हो या इतिहास को बदलने की एक बेचैनी हो, उन सारी छटपटाहट के बावजूद कहाँ हिंदुस्तान है? हिंदुस्तान जहाँ है वो इसी में से निकलेगा। वो इसमें से इसलिए निकलेगा कि जैसा आपने शुरू में कहा विष्णु भाई कि शायद कहीं मेरे भीतर जो एक विस्फोटक तमाम जो स्थितियाँ मौजूद हैं उनके ऊपर जब मैंने लिखा या कमेंट किया तो निश्चित रूप से मेरे पाठक और मुझे पाठकों की मैं बहुत ही विनम्र भाव से कहूँगा कि कोई कमी नहीं है। नहीं, मैं जानता। पाठक हैं, पाठक पढ़ते हैं, इसके ऊपर भी जितना जो कुछ छपा और वो तो बराबर निरंतर प्रतिक्रियाएँ मुझे मिलती रहती हैं। तो निश्चित रूप से ये उपन्यास एक इस तरह की चीज़ को पैदा करेगा कि आज़ादी के बाद की जो दो तीन पीढ़ियाँ चार पीढ़ियाँ हमारी हैं उन पीढ़ियों के भीतर जो कुलबुलाते हुए सवाल हैं, है ना, उन सवालों को वो जागृत करेगी। दो सवाल इतिहास में उठाए हैं आपने, दलित के रूप में रामायण से शंभू जी, और नारी के रूप में पाकिस्तान में जो भी जाता है जी जी वो संगतियों के भीतर से ही जिंदगी और जीजीविषा को तलाशता है जी। तो वहाँ धर्म जाति सारी बंटवारे के सारे संकट जो है वो अपने आप ध्वस्त हो जाते हैं। एक सांस्कृतिक जीजीविषा जिसे मैं कहूँ वो इस उपन्यास में शुरू से अंत तक है। बावजूद इसके कमलेश्वर का एक नाटककार, एक भिन्न रूपों का व्यक्ति इस उपन्यास को दिलचस्प भी बनाता है और कहीं ना कहीं ये जानता है कि किन चीजों को रोक देने पर जी कौन सी जिज्ञासाएं आपके मन में पाठक के मन में पैदा होती। मैं ये विष्णु भाई आपको बताऊं या ये बात भी सही है क्योंकि जो कुछ मैंने जिस तरह से लिखना सीखा, लिखने में मुझे एक बात की जिसके को मैं हमेशा रेखांकित करूंगा कि नैरेटिव में जब तक आपके साथ सहभागिता स्थापित करने की स्थिति नहीं है तब तक नैरेटिव सार्थक नहीं हो पाता। मैंने खुद जानबूझ के, यानी आप देखिए कि शुरू में मतलब विद्या की कहानी को मैंने रोका, मुझे पता है कि विद्या यहाँ है। जब मैं उपन्यास लिख रहा है ये उपन्यास लगभग 10-11 वर्ष लगे इसको लिखने में, लिखा तो ये पिछले करीब 40 वर्षों से जा रहा था। लेकिन विद्या को जहाँ रोकना है तो मैं कहीं अपने पेज एक अलग पेज पर मार्जिन में नोट करके रहता था कि विद्या चैप्टर नंबर इतने पेज नंबर इतने पर अभी इंतजार कर रही है। उसका एक कारण शायद यही है हाँ कि आप बहुत काम करते हैं।